एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि नौकरी के बारे में बात करेंगे। नौकरी के लिए आपको जो भाव देखना है वो लग्न कुंडली का दशम भाव देखना है, और इसके साथ साथ में आपको दूसरा और छठा भाव भी देखना है। छठा भाव आपका नौकरी का भाव कहलाता है, दूसरा भाव आपका धन का भाव कहलाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि दशम भाव पे कौन से ग्रह का प्रभाव है, उसके अनुसार आपको अपना करियर देखना होता है, नौकरी देखनी होती है। अगर आप दशम भाव में सूर्य ग्रह बलवान हो तो सूर्य जो है आपका गवर्नमेंट का कारक है, राज्य का कारक है, तो इसलिए सूर्य का मजबूत होना, उच्च का होना यह दर्शाता आपको सरकारी नौकरी का बताता है। इसी तरह से अगर बुध अगर आपका दशम भाव बलि होकर मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो सीए का कोर्स करते हैं, सीए में जाते हैं और बैंक का कार्य करते हैं, नौकरी का काम करते हैं, गणित लेखन का कार्य क्षेत्र इनका हो सकता है। अगर आपका दूसरा छठा दसवां ये त्रिकोण जो है यहाँ पे चंद्रमा अगर बलवान होकर बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये जल से संबंधित और कृषि से संबंधित कार्य क्षेत्र में जाते हैं। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह की बात करें तो ये आपकी कुंडली में दशम भाव में का प्रभाव लेके आता है, दशम भाव में बैठा है, तो ये जो है ये पुलिस आर्मी खेलकूद बॉडी बिल्डिंग आदि में कार्य में इनको अच्छा चांस मिलता है, अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। अगर गुरु ग्रह का दशम भाव से कनेक्शन बना रहा है और बलवान होके बैठा है, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि वो शिक्षा में आपको अच्छा कार्य क्षेत्र बना सकते हैं, और इसमें नौकरी जो करेंगे वो ज्योतिष क्षेत्र में भी आप अपना कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। इसी तरह शुक्र ग्रह अगर दशम भाव से कनेक्शन बना रहा है और दशम भाव का स्वामी बनता है या वो उच्च का होता है, तो ये जो शुक्र के जो कार्य क्षेत्र होते हैं ऐसे जातक जो है सिनेमा में, कला में, बूटिक पार्ला वगैरह जो रहते हैं इस क्षेत्र में अपना कार्य क्षेत्र बनाते हैं और सफल होते हैं। ऐसे शनि जो है ये कारक होके या बलवान होके उचका होकर दशम भाव में स्थिर होकर जातक जो होते हैं ये जज होते हैं, वकील बनते हैं, जमीन या लोहे से संबंधित कार्य क्षेत्र होते हैं। इसी तरह दशम भाव में राहु का प्रभाव आ रहा हो और केतु का प्रभाव आता है, तो ऐसे जो राहु केतु एक्सेस वाले जो लोग होते हैं वो जो है आपका सट्टा बाजार है, आपका लॉटरी है, शराब का जो व्यापार है, प्रॉपर्टी का जो व्यापार है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, इनके द्वारा आप धन अर्जित करते हैं। तो इस तरह से ये हमने बात करी कि किस तरह के करियर नौकरी आप कर सकते हो। जब भी आप देखें तो दशम भाव का स्वामी और कारक जो शनि है इनकी स्थिति जितनी मजबूत होगी, शनि क्या नौकरी का कारक है, सर्विस का कारक है, तो वो जातक जो सर्विस और नौकरी करेगा। तो इसमें नौकरी में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। अगर ये जो दशम भाव है, छठा भाव है, दूसरा भाव है, यहाँ पे अगर शनि वक्री होके बैठता है या ये जो गुरु ग्रह अगर इनकी शनि की दशा, गुरु की दशा या वक्री ग्रह की दशा चलती है या अंतर्दशा चलती है, तो उस टाइम पे इनका परिवर्तन होता है। परिवर्तन के लिए तीसरा भाव भी देखते हैं। तो अगर इनका परिवर्तन हो रहा है या जाप छोड़ के ले आप हो रहा है, कुछ हो रहा है और फिर जाप पकड़ते हैं, तो इनका जो शनि है या जो दशा चल रही है वो अगर वक्री है या दशा का जो ग्रह है वो वक्री होके गोचर में चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको ये उतार चढ़ाव परेशानियां आ सकती है। तो ये आपका इस तरह से देख सकते हैं। आठवां भाव जो है आपका रुकावट का भाव है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो सकता है, रुकावट हो सकती है आपके करियर में, जॉब में। तो ये आठवां भाव को इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो
कुंडली का जो भाव है, हमने अभी बात करी कि ये केंद्र त्रिकोण का जो भाव है वो दशम भाव, दूसरा और छठा भाव को देखना चाहिए। और उसमें अगर वक्रीकरों का प्रभाव आ रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है, तो आपको उतार चढ़ाव जरूर आप महसूस करेंगे। उसमें तीसरा भाव जो है वो परिवर्तन का भाव है, और आठवां भाव है वो आपको परेशानियां और रुकावट का भाव है। तो अगर ये इनका संबंध दशम भाव से बन रहा है, तो जरूर आपको उस सब दशा अंतर दशा में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक सरल से हमने बताने का प्रयत्न किया कि आपको दशम भाव, दशम स्वामी और कारक ग्रह किस तरह से आपकी कुंडली में इन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, उसके अनुसार आपके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं और आपका नौकरी में उतार चढ़ाव भी बन सकते हैं। इन दशम भाव के स्वामी और दशम भाव पे प्रभावित ग्रहों के कारण आप जो भी ग्रह प्रभावित करते हैं, उसके अनुसार आपका, हमने बताया कि हर ग्रह अपना कौन सा कार्य क्षेत्र लेके बैठा है, वो उस तरह से आप अपने कुंडली में आकलन करके देख सकते हैं। तो आज हमने जो बात की कि आपको अगर नौकरी में किस तरह से उतार चढ़ाव के साथ में कौन सा कैरियर आपका नौकरी में बना सकते हैं, उसकी हमने संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आपको हमारे वीडियो विस्तृत में और देखना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, वहाँ उपलब्ध जो आपके वीडियो बने हुए हैं इनके बारे में विस्तृत में बने हुए हैं, तो उनको भी आप देख के लाभ उठा सकते हैं। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।